सिंगरौली जिले के 200 केंद्रों पर 21 जून से 21,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान देखा गया है कि ग्रामीण और युवाओं में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह है। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि जिले में 21 जून से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 21,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान तभी संभव होगा जब मीडिया, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं व जागरूक लोगों का समूह सहयोग करेगा। कलेक्टर मीणा के अनुसार सभी केंद्रों पर मोबिलाइजर, वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, सामाजिक और गैर सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित होकर अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष के ऊपर की आबादी तकरीबन 8 लाख है, जिन्हें आगामी सितंबर माह तक अभियान चलाकर वैक्सीन लगाया जाएगा। लोग अपनी सुरक्षा के मद्देनजर वैक्सीनेशन कराने तैयार हो रहे हैं। गौरतलब है कि कई देश हैं जहां 100% वैक्सीन लगने के बाद वहां पाबंदियां हटा दी गई हैं। जो 21 तारीख से टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें जो जिले में 21,000 लोगों को टीकाकरण करने का हमारा लक्ष्य है। इसके लिए 200 केंद्र हमने स्थापित किए हैं। उन केंद्रों पर वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं रहेंगी और जो वहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं वो अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर आकर अपना टीकाकरण करा पाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।